अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहने के बाद भी इसराइल गाजा में सैन्य अभियान से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि गाजा के समर्थन में फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुट भी इजरायली सेना और उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसराइल पर हुए हमलों और उसके नुकसान की खबरें बाहर न आने पाए, इसके लिए वह सेंसरशिप भी लगा रहा है। इधर गाजा के समर्थन में यमन के सशस्त्र बलों ने एक बार फिर लाल सागर में जहाजों पर हमला किया। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने शुक्रवार को घोषणा की कि نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهما سفينة البيلا وسفينة أول جنوى وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله। पिछले महीने यमनी सशस्त्र बलों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों को निशाना बनाते हुए युद्ध के चौथे चरण की घोषणा की थी। उनके ऑपरेशन में अब मध्य सागर से गुजरने वाले जहाज भी शामिल हो गए हैं। इस चौथे चरण में यमन के सशस्त्र बल सभी जहाजों और कंपनियों पर व्यापक प्रतिबंध लगाएंगे और इनसे जुड़े सभी जहाजों को अपने कब्जे वाले क्षेत्र से गुजरने से रोकेंगे, भले ही वह जहाज किसी भी देश के हों और कहीं भी जा रहे हों। गुरुवार को अंसार अल्लाह के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हुती ने भी दो अमेरिकी जहाजों पर बड़े हमले की घोषणा की। अल हुती ने कहा कि इस हफ्ते किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक में अमेरिकी शिप को निशाना बनाया गया। अल हुती ने कहा कि यमनी बलों ने अमेरिका के आइजनहावर शिप पर एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। उन्होंने कहा कि आइजनहावर को निशाना बनाकर किया गया यह अभियान सफल रहा और हमले के बाद दो दिन तक इसका आवागमन बंद रहा। अल हुती ने कहा कि जब यमनी सशस्त्र बल के अभियान सफल होते हैं तो अमेरिकी शिप भाग जाते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने शिप को निशाना बनाए जाने पर अपनी हार और प्रतिष्ठा के नुकसान के कारण हमलों से इनकार करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि यमनी बलों का सीधा कहना है कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो अमेरिका के विमान वाहक पोत आइजनहावर को निशाना बनाएंगे और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके हमले तेज होंगे। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उसने जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए बड़ा प्रयास किया है और उसके लिए उसने हूती लड़ाकों और उनके ठिकानों पर हमले भी किए। अमेरिका इसलिए भी फंसा है कि एक समय तो उसने इसराइल की मदद कर उसे मजबूत किया और अब खुद अमेरिका इसराइल को गाजा में हमला करने से मना कर रहा है, तो अब इसराइल मान नहीं रहा है। इसराइल के नाम मानने से हूती लाल सागर पर हमला कर रहे हैं और इससे जहाजों के ना चल पाने से अमेरिका को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब अमेरिका इसराइल को लेकर क्या कदम उठाता है ये देखना रोचक होगा।